मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत मैं कर रहा हूँ कैंडी से। मैं बता दूं, अभी सुबह सुबह हो गया हूँ मैं रेडी, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ अपना हो गया ऑलरेडी। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा तो आपको पता होगा मैं कल कैंडी में था। कैंडी में आसपास में जो मतलब यहाँ का फेमस जगह सब था, जैसे कि द टेम्पल ऑफ ट्रूथ, कैंडी लेक और एक कैफे यहाँ का कैफे 1886, तो ये दो तीन जगह मैंने विजिट किया था, तो वो ऑलरेडी आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ से एला बाय ट्रेन, तो एक काम करते हैं जल्दी निकलते हैं यहाँ से। मैं ये रेडिशन होटल में था, देख लो बढ़िया होटल है। फिलहाल अभी टाइम देखो 8:30 हो गया, 9:15 में अपना ट्रेन है। चलो जी, अभी होटल से हम लोग चेकआउट कर लिए हैं, ऑटो ले लिया हम लोगों ने। कल हम लोग 300 में आए थे, आज 600 बोल रहे हैं। 2 किलोमीटर होगा, 2.5 किलोमीटर है यहाँ से। और आए थे हम लोग 300 श्रीलंकन रुपीज में, जा रहे हैं हम लोग 600 श्रीलंकन रुपीज दे के। और अभी अपना टाइम का भी कमी है, दैट्स वाई थोड़ा सा। ये देख लो, हमारे होटल के एकदम पास में ही कैंडी लेक था, तो ये तो मैंने आपको कल दिखाया ही था। और इसके जस्ट पास में ना द टेम्पल ऑफ ट्रूथ भी है। तो अभी हम लोग कैंडी रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए हैं, ज्यादा नहीं हमें बस 5 मिनट लगा होगा यहाँ पहुंचने में, लगभग 8:40 हो रहा है। चलो चलते हैं अंदर, अभी अच्छा खासा टाइम है अपने पास। मैंने तो ऑलरेडी टिकट बुक करके रखा है, आप भी अगर आते हो श्रीलंका तो टिकट पहले से ही बुक करके रख लेना, काउंटर के भरोसे मत ही रहना। काउंटर के भरोसे रहोगे तो हो जाएगा फिर दिक्कत। अभी जाते हैं काउंटर नंबर 1 या फिर 2 में, मुझे अपने टिकट शो करना पड़ेगा, जो की टिकट मुझे मेल में ऑलरेडी आ चुका है। पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, फिर मुझे वो हार्ड कॉपी मिलेगा टिकट का। तो आप ध्यान रखना, आप जब भी अपने टिकट को ऐसे दिखाओगे ना, तो ये ट्राई करना इंटरसिटी काउंटर खोजने का, यहीं पे आपको आपका टिकट मिल जाएगा। तो यहाँ पे टिकट काउंटर में वही सेम चीज हुआ, मुझे अपना वो एम टिकट जो मेल में आता है ना वो दिखाना पड़ा। पासपोर्ट दिखाया मैंने और ये मिल गया मुझे श्रीलंकन रेलवे का हार्ड कॉपी, मतलब जिस ट्रेन से मेरा जर्नी होने वाला है। और ये टिकट मेरे पास रहेगा भी नहीं, ये ले लेते हैं वो। और बाय द वे, अभी हम लोग कैंडी से एला जाने वाला है। ट्रेन अपना 9:18 का है, तो जाते हैं स्टेशन के अंदर। वैसे एक चीज है, देख लो सभी कुछ का ना यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ है, तो कैंडी टू अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो कितना किलोमीटर दूर है, कोलंबो यहाँ से 116 किलोमीटर दूर है, डाम्बुला 72, एला 155। मतलब आज का जर्नी हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है। वैसे स्टेशन के अंदर ही देख लो आपको कैंटीन में मिल जाएगा, यहाँ पे कैंटीन भी है अगर इनकेस अगर आपको कुछ खाना है तो। हाँ जी, तो अभी हम लोग कैंडी रेलवे स्टेशन में आ गए हैं, और मैक्सिमम मुझे स्टेशन में लोकल से ज्यादा फॉरेनर दिख रहे हैं, तो ये चीज देखकर अच्छा भी लग रहा है एक तरफ से श्रीलंका के लिए, कि चलो टूरिज्म अभी पूरे तरीके से नॉर्मल हो चुका है यहाँ पे। बढ़िया है, अपना 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आएगा ट्रेन, 9:18 का टाइमिंग है, देखते हैं कब तक आता है अपना ट्रेन। और अपना ट्रेन नंबर 3 है, मतलब यहाँ पे ना ऐसे नाम से ट्रेन को नहीं जानते हैं, ट्रेन नंबर से जाना जाता है, जैसे ट्रेन नंबर 3, ट्रेन नंबर इतना, ट्रेन नंबर उतना। और टिकट पे भी ना ऐसा कुछ नाम वगैरह नहीं लिखा रहता है इनका, और जो टिकट मेरे पास है जो लोकल से उनके पास भी सेम टिकट मैंने देखा, तो उनपे भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। बाकी अंदर की तरफ भी एक कैंटीन मुझे दिख रहा है अगर आपको कुछ खाना पीना है तो, बट हम लोग होटल से ब्रेकफास्ट करके आए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार मैं थोड़ा फोकस करके रखा था ना, श्रीलंका आऊंगा तो टूरिज्म प्लेस सब तो ठीक है, चलो वो तो मेन जगह का जाना ही है मुझे, लेकिन उससे मेन जो यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट सब है ना, मैं सोच के रखा था वो सब पे ज्यादा फोकस करूंगा मैं, तो इसलिए मैं थोड़ा इस टाइप का वीडियो सब दे रहा हूँ। देख लो, अभी ट्रेन तो आ गया है, बट अभी पता चला ये ना कि अपना ये जो ट्रेन है कैंडी स्टेशन में आता ही नहीं है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा पेरादेनिया, कोई स्टेशन है वहाँ, तो वहाँ से हमें ये वाले ट्रेन पे बोर्ड करना पड़ेगा। लेट्स सी अब कहाँ से जाते हैं हम लोग। तो अभी हमें ये ट्रेन ही लेकर जाना पड़ेगा पेरादेनिया स्टेशन, वहाँ से हमें लेना पड़ेगा ये ट्रेन। भाई साहब, तो एक टीटी साहब है, उन्होंने बताया कि आप टेंशन मत लो, हम अरेंजमेंट करवाते हैं सारा। देख लो जी, यहाँ पे हम अकेले नहीं, काफी सारे लोग हैं जो हमारे इस वाले ट्रेन से जाने वाले हैं, तो वो टीटी साहब जो है वही हमें लेकर जाने वाला है। अभी वो लोको पायलट से बात भी कर रहे हैं, देखो क्या बोलते हैं वो, काफी लोग है, देखो काफी लोग। तो चलो जी, ये ट्रेन अपना निकल चुका है। वैसे अपना जो ट्रेन है अभी पता चला इसी प्लेटफॉर्म में आएगा, क्योंकि इसमें शायद जगह ही नहीं था, तो लोको पायलट ने और टीटी साहब ने कुछ तो बात करके जुगाड़ निकाला, ट्रेन बता रहे वो यहाँ आ जाएगा, हालांकि ट्रेन आता नहीं है यहाँ तक। भाई साहब, श्रीलंकन रेलवे में अलग ही सिस्टम चला है। चलो कोई नहीं, अपना हेल्प हो गया, अभी हमें वहाँ जाके क्या पेरादेनिया कोई स्टेशन है वहाँ से हमें ट्रेन चेंज करना पड़ता, वो नहीं करना पड़ेगा, ट्रेन यही आ रहा है, कैंडी आ रहा है। चलो ट्रेन आता है तो बोर्ड करते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। देखो क्या होता है ना, जो हम लोगों ने टिकट बुक किया था जिस ट्रेन में, और ऐसा सिर्फ मैंने नहीं किया था, आपने देखा कितने सारे लोग हैं अभी भी सारे स्टेशन में ही हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो हम लोगों ने टिकट बुक किया था कैंडी टू एला, तो काफी लोगों का बुकिंग यहीं से था, कैंडी से था, लेकिन जिस ट्रेन में हमारा बुकिंग था ना वो कोलंबो से बादुला तक जाता है, और वो वाया पेरादेनिया होते हुए जाता है,
कैंडी नहीं आता है वो ट्रेन। अगर आपको वो ट्रेन लेना है तो आपको यहाँ से कोई और ट्रेन लेकर पेरादेनिया तक पहुँचना पड़ता है। पेरादेनिया यहाँ से ज्यादा नहीं, 2 स्टेशन बाद ही है, तो वहाँ पहले पहुँचना पड़ेगा, वहाँ से आपको ट्रेन लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसे टिकट में कहीं भी मेंशन नहीं था, या फिर टिकट बुक करते समय भी ऐसा कहीं मेंशन नहीं था। और मैंने टिकट भी चेक किया, टिकट में लिखा भी हुआ है कैंडी टू एला, ये मेरे समझ के बाहर था। लेकिन टीटी साहब ने और लोको पायलट ने काफी हेल्प किया कि हम लोग ये वाला जो ट्रेन था अभी, इससे हम लोग चले जाए पेरादेनिया और वहां से अपना वो वाला ट्रेन ले ले। लेकिन हो नहीं पाया साहब, क्योंकि ट्रेन पूरा फुल चल रहा है। तो अभी पता चला है हमें कि वो जो हमारा ट्रेन है जो कोलंबो टू बादुला तक जाता है, जो कैंडी नहीं आता है, वो ट्रेन अभी कैंडी आ रहा है, बस ये सारे पैसेंजर को रिसीव करने के लिए। इसको बोलते हैं सर्विस। सोच लो, मतलब ट्रेन का रूट ही चेंज कर दिया कि लो भाई पैसेंजर वहाँ खड़ा है वहाँ लेकर आओ, यहाँ कोई नहीं आएगा, अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हो तो मैं आ जाता हूँ। ऐसा रेलवेज मैंने आज तक कभी नहीं देखा। खैर कोई बात नहीं, अभी वेट करते हैं। वैसे हमारा जो अभी का बुकिंग है ना वो एसी क्लास में, अब वो कौन सा क्लास है कौन सा नहीं वो जो अपने कोच के अंदर जाऊंगा तब मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे ना देखो, जैसे ट्रेन का जो होता है ना ऐसा रहता है, देखो जैसे ये बी है ना, तो ऐसा कोई ट्रेन का नाम नहीं है। ट्रेन के ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, 1 मतलब हो गया फर्स्ट क्लास, और वहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको दिखेगा नहीं वाइड एंगल में, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन रिजर्व। अपना जब कोच आता है तो वो भी आपको दिखाता है कि मेरा कोच कौन सा है। फिलहाल देख लो ऐसा कुछ ट्रेन होता है श्रीलंका में। वैसे इसमें देख लो जर्मनी का लोकोमोटिव लगा हुआ है। ये भी अपना ट्रेन नहीं, अपना ट्रेन शायद इस वाले प्लेटफॉर्म में ही आएगा। ये कोई लोकल टाइप का कुछ ट्रेन लग रहा है, लोकल पैसेंजर ट्रेन टाइप कुछ लग रहा है ये। कोलंबो कोटो सिट बदुल्ल दक्वा दावनेवन दुल्लिय तव स्वल्प वेलाकिन देवन वेदिकावट लंगा वीम नियमित एम दुल्लिय नमक कोलंबो फोर्ट टू बदुल्ल इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2 इट विल स्टॉप एट पेरादेन। शायद मेरे को तो लग रहा है ये अपना ट्रेन होना चाहिए। एक बड़ा कंफ्यूजन है ना, ट्रेन समझ में ही नहीं आता यहाँ पे कौन सा अपना ट्रेन है, प्रॉपर नेम भी नहीं है ना, नंबर है लेकिन वो समझ में नहीं आता नंबर एग्जैक्ट होता कहाँ पे। आगे पता करते हैं किसी से। ऑलराइट जी, अपने सीट पे तो आ गए हैं, देख लो यही अपना सीट है। वो थोड़ा बहुत वंदे भारत वाला हिसाब किताब है। ये जो सीट है आप उसको पूरा रोटेट भी कर सकते हो, ये देख लो ये सीट आप रोटेट भी कर सकते हो जैसा होता है ना अपने वंदे भारत में। रिक्लाइन भी अच्छा खासा हो जाता है ये। ये देख लो भाई साहब ने रिक्लाइन किया हुआ है। सीट कम्फर्ट कैसा है, रिक्लाइन करो, कितना रिक्लाइन होता है, लेग स्पेस भी देख लो अच्छा है। तो ये बोल सकते हो इस ट्रेन का फर्स्ट क्लास है, तो ऐसा होता है, देख लो श्रीलंकन रेलवे का फर्स्ट क्लास। बाकी अपना लगेज तो एक चलो यहाँ आ गया है, और एक जो लगेज है ना मैंने अपना यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ भी देख लो ये ऑटोमेटिक डोर है। अगर आप फर्स्ट एसी कोच में रहोगे ना तो यहाँ पे 1 लिखा रहेगा, सेकंड एसी में रहोगे तो 2 लिखा रहता है। बस अपना ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करने ही वाला है। पता नहीं आपको मेरा ऑडियो आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि इंजन एकदम पास में काफी लाउड है उसका साउंड। देखो एला पहुंचने में हमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि लगभग 9:18 में हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, अभी 10:30 हो रहा है। चलो अपना ट्रेन कैंडी से निकल चुका है, जय माता दी। ये देख लो कैंडी रेलवे स्टेशन। भाई सच बता रहा हूँ, गेट पे खड़ा होना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि देख लो कितना हिल रहा है ट्रेन। अभी आपको दिखाते हैं इनका वॉशरूम, देख लो जी ये फर्स्ट एसी का वॉशरूम कुछ ऐसा है। और एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है, यहाँ पे जो वॉश बेसिन होता है ना कितना छोटा होता है देखो, और ऐसा कुछ है आपको सॉप लिक्विड वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ आप अपना खुद का कैरी करो। छोटा सा ही वॉशरूम है लेकिन ठीक है। वैसे आपको श्रीलंकन रेलवे में ना इंडियन और वेस्टर्न जैसा आपने इंडिया में होता है दोनों टाइप का ही वॉशरूम मिल जाएगा। और ये जो सीट है मैंने आपको बताया था इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, ट्रेन जा रहा है अपना इस साइड तो एक काम कर सीट को भी रोटेट कर लेते हैं। तो देख लो अपना ट्रेन जो अंदर से ऐसा है, और अपने सीट को हम लोगों ने अभी रोटेट कर लिया है। और एक चीज देखो फुट रेस्ट देख लो यहाँ पे, तो देख लो कुछ ऐसा फुट रेस्ट है। बाकी यहाँ पे देख लो ट्रे टेबल बढ़िया लगा यार मेरे को, मतलब इसका परफेक्ट हाइट है जितना होना चाहिए। देखो मैं तो ट्रे टेबल को 2 हिसाब से देखता हूँ, एक वो आपका वर्किंग स्पेस और एक आपका खाने के लिए। वर्किंग स्पेस के लिए ज्यादा बेटर है ये, और ऐसा इसमें मैगजीन पॉकेट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। और लाइट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, पता नहीं लाइट का, हाँ भाई लाइट तो काम कर रहा है।
बढ़िया। और वैसे एक जो ये जो देख रहे हो ना 1918 हमारा सीट है, जो ये 20 नंबर सीट है ना ये किसी एक फॉरनर लेडी का था, उन्होंने बताया कि ठीक है आप ले लो कोई दिक्कत नहीं मैं आपकी सीट पे बैठ जाऊंगा। बोले चलो बढ़िया, विंडो सीट अपना सेक्रीफाइस कर दिया भाई, और अपना 18 आइल सीट था। ओवरऑल मैं बता दूं कि मैंने ये जो टिकट है कितने में बुक किया, तो मैं बता दूं मैंने यहाँ पे 2 टिकट बुक किया है कैंडी टू एला, और इसके लिए मैंने पे किया है 5000 श्रीलंकन रुपीज, 1250 इंडियन रुपीज में बुक किया है मैंने, श्रीलंकन रुपीज में 5000 लंकन रुपीज पे किए थे, और इसको मैंने ऑनलाइन बुक किया था। अगर आप श्रीलंकन रेलवे में अपना टिकट बुक करते हो ना, तो या तो आप काउंटर से बुक कर सकते हो, मैं बोलूँगा ऑनलाइन कर लो क्योंकि टिकट वगैरह मिलता नहीं है, काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं अभी इधर, तो टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए ट्रेन टिकट आप पहले ही बुक कर लो। बाकी बस यही है, और आपको दिखेगा मैक्सिमम इस ट्रेन में ना फॉरनर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। बाकी देख लो जा रहा है ट्रेन अपना, बढ़िया कुछ नज़ारा दिख रहा है तो आपको भी दिखाएंगे, और अभी तक तो साफ़ सफाई नो डाउट बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो कैंडी से निकलने के बाद अभी अपना ट्रेन रुका है गमपोला, कोई रेलवे स्टेशन है वहाँ पे सामने की तरफ देख लो लिखा हुआ है गमपोला। वैसे देख लो यही है अपना ट्रेन का स्पीड अभी, मैक्स टू मैक्स ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन बहुत हिल रहा है ट्रेन को, बहुत ज्यादा देख लो कितना हिल रहा है ट्रेन भाई साहब। ऑलराइट, तो अभी हमारा ट्रेन ये कोई नवल अपीतिया स्टेशन में रुका हुआ है, वैसे हर स्टेशन में नहीं रुक रहा है ये, किसी किसी स्टेशन में रुक रहा है, और ऐसा तो मेरे पास कोई ऐप भी नहीं है जो मैं चेक करके बता पाऊँ कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आने वाला है या फिर कितने देर में आने वाला है, तो ये एक सीन है। दूसरा तो खैर देख लो यही स्टेशन है, यहाँ पे काफी देर रुका हुआ था ना ट्रेन, 5 से 6 मिनट, नवल अपीतिया स्टेशन का नेम है। वैसे सच बता रहा हूँ जर्नी का असली मजा ना मैंने देखा है श्रीलंका में, थर्ड क्लास कोच या फिर सेकंड क्लास कोच में ही है, उसमें क्या होता है ना पैसेंजर इंटरेक्ट करते हैं, हाँ, उसमें लोकल्स ज्यादा रहते हैं, इसमें क्या है सारे टूरिस्ट ही है तो सब अपने में बिजी है। सच बताओ तो अभी काफी अच्छा नजारा बाहर दिख रहा है और काफी सारे वाटरफॉल भी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन वही है जब दिखाने जा रहा हूँ ना तब वाटरफॉल निकल जा रहा है। अभी काम करते हैं थोड़ा गेट के साइड में जाते हैं और कुछ बढ़िया शॉट्स सब लेते हैं जो कि अभी आप लोग इंजॉय करोगे, ठीक है। भाई साहब ये नज़ारे चेकआउट करो एक बार, ये पूरा टी गार्डन हमें दिख रहा है। वैसे एक बात तो है अभी बाहर का जो नज़ारा है ना वो काफी कमाल का दिख रहा है, अंदर मैं बैठ के रह ही नहीं पा रहा हूँ, इतना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है ना। तो वही अभी मैं वापस से गेट के पास आ गया हूँ, आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ एक बार। ऑलराइट जी, अभी हमारा ट्रेन पहुंच चुका है हेटॉन रेलवे स्टेशन, आपको दिख रहा होगा देख लो हेटॉन। वैसे शायद यहाँ भी 2 मिनट का ही हॉल्ट होगा मैक्सिमम स्टेशन में, ये 2 मिनट करके ही रुक रहा है, और वो जो होता है ना ओवर ब्रिज वो देख लो कितना छोटा सा बना हुआ है। एक बात तो बोलना पड़ेगा, मैंने वैसे आपका ऊटी में भी जर्नी किया हुआ है, अराकू वैली साइड भी जर्नी किया हुआ है, देखो हिल स्टेशन में भी मैंने बहुत सारा टॉय ट्रेन का जर्नी किया हुआ है, लेकिन यार क्या नज़ारा दिख रहा है।
पूरा जर्नी तो अभी हुआ नहीं है, जो भी अभी तक जहाँ तक कभी जर्नी हुआ है वन ऑफ द बेस्ट जर्नी मैं बोलूंगा इसको। एक चीज है ना, काफी साफ सफाई भी काफी अच्छा है ना, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। अभी एक वाटरफॉल दिखा हमें, पता नहीं उस वाटरफॉल का क्या नाम है, वहाँ विजिट करना तो मस्ट है। मैं बोल रहा हूँ ना, इस पूरे जर्नी में कैमरा मैं बंद करके रख ही नहीं सकता, जब भी बंद कर रहा हूँ कुछ ना कुछ आ रहा है। देख लो कितना बढ़िया ये लेक लग रहा है, कुछ लेक है ना, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऑलरेडी देख लो अभी बहुत जोर का भूख लग गया था, तो अंदर भाई समोसा दाल वड़ा वड़ा ये सब कुछ आ गया गर्मा गर्म, वो भी तो ये ले लिया हम लोगों ने। मेरे को तो इतना भूख नहीं है, लवली को भूख है, हम देखेंगे दाल वड़ा अगर बढ़िया रहेगा तो खा लेंगे। अभी भी क्योंकि दिखा रहा है यहाँ से लगभग 2.5 से 3 घंटा लगेगा। अगर आप भी इस ट्रेन में आ रहे हो ना तो देखो काफी लोग अपने साथ खाना भी लेकर आए हैं, तो आप भी अपने साथ खाना कैरी करना। क्रिस्पी समोसा ठीक है, खा सकते। और अपना ट्रेन अभी रुका है कोई ग्रेट वेस्टर्न बोल के रेलवे स्टेशन है, वहीं पे कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन है भाई, रेलवे स्टेशन का मेरे को ये गार्डन ज्यादा लग रहा है। हाँ जी, तो फाइनली अभी अपना ट्रेन पहुंच चुका है नानू होया। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप अशोक वाटिका जा रहे हो सबसे नियरेस्ट जो स्टेशन है वो यही है नानू होया, तो मेरा प्लान भी यही है रिटर्न आने का। काफी लोग तो यहीं पे डीबोट कर गए और काफी लोग यहाँ पे बोट भी कर रहे हैं, बट एला से जो मैं नानू होया तक जिस ट्रेन से आ रहा हूँ ना वो काफी कमाल का ट्रेन है, वो ब्लॉग जरूर देखना, काफी बढ़िया जगह है और अपने रामायण से जुड़ा हुआ है तो आपको भी अच्छा लगेगा जानकर। बट ये वीडियो डिफरेंट है इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में। अपना जो ट्रेन है ना, ये जो नानू होया रेलवे स्टेशन है यहाँ पे लगभग 45 मिनट तक रुका हुआ था। खूबसूरत रेलवे स्टेशन है यार, देखो एक बार। अभी भी यहाँ से जो एला है ना वो लगभग 60 किलोमीटर दूर है। एक और बात है, ऊपर ना टेम्परेचर भी काफी अच्छा हो गया है, मतलब मौसम में एक अलग ही ठंडक बन आ गया है अभी। अभी भी यहाँ से लगभग और 5 स्टेशन है एला पहुँचने के लिए, और काफी लोग तो भाई साहब लटक लटक के फोटो ले रहे हैं, मस्त एकदम। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सब बाहर का नजारा दिखा दिखा के ही मेरे को लग रहा है वीडियो आधा से ज्यादा लंबा हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, जाते हैं थोड़ा बैठते हैं रेस्ट करते हैं, अब एक ही बार डेस्टिनेशन पे पहुँच के वीडियो कंटिन्यू करेंगे, अगर बीच में कुछ अच्छा दिखता है तो वो भी दिखाएंगे आपको। वैसे तो हम लोग का प्लान था कि एला पहुँच के थोड़ा सा आसपास में साइट सीन सब करेंगे, लेकिन जितना टाइम लग रहा है वहाँ जाने में मेरे को कम ही चांस लग रहा है कि हम लोग जाकर कुछ देख भी पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी यहाँ पे 3:30 बज गया और अभी भी मैप में दिखा रहा है 1.5 घंटा लगेगा। जाओ होटल चेक इन करो, ऊपर से कल मेरा ट्रेन भी, बट कोई नहीं, लेकिन कल जहाँ मैं जा रहा हूँ ना वो सबसे ज्यादा मेन है मेरे लिए, तो वहाँ जाना ज्यादा जरूरी था। अभी भी और यहाँ से 2 स्टेशन बचा है एला के लिए, और सामने में देख लो कितना प्यारा रेनबो बना हुआ है और हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है अभी। हाँ जी, तो अभी फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एला, भाई देख लो पहुंचते लगभग शाम का 5 बज गया, बहुत टाइम लग गया अपना यहाँ पे, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। कोई नहीं, अभी जाते हैं बाहर की तरफ, अपना होटल जो है ना एकदम पास में ही है। लो जी, इसी ट्रेन से हम लोग आए थे, ट्रेन अब निकल चुका है, ये बादुला की तरफ जाएगा। मैक्सिमम पैसेंजर देख रहा हूँ मैं, यहीं पे उतर चुके हैं और ये अपना पीछे ट्रेन भी चला गया। चलो जी, अभी एग्जिट होते हैं यहाँ से।
यहाँ पे ये सिस्टम है ना, टिकट आपका रख लिया जाता है। स्टेशन के बाहर तो आ गया हूँ मैं और निकलते ही देख लो भाई, ये तो लग रहा है किसी का घर है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। स्टेशन तो लग ही नहीं रहा है, ये देख लो कितना प्यारा सा रेलवे स्टेशन है। अभी यहाँ से हम लोग देखते हैं, होटल हमारा पास में ही है। वैसे यहाँ पे देख लो क्रिकेट मैच भी चल रहा है। वो जो होता है ना कॉस्को बॉल, उससे खेल रहे हैं ये सभी। ये पास में ही देख लो रेलवे स्टेशन है अल्लाह का, कितना खूबसूरत सा स्टेशन है यार। इसके जस्ट पास में ही ये मैच हो रहा है, कुछ टूर्नामेंट टाइप का लग रहा है मेरे को तो। देख लो कितना क्लीन है ये जगह, यहाँ कैफे भी है। एक्चुअली हमारा होटल भी पास में ही है, तो यहाँ पे आसपास में खाने पीने का भी बहुत कुछ दिख रहा है हमें। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं चेक इन किया हूँ अपने रूम में एला में। एक्चुअली मैंने दूसरा रूम का बुकिंग लिया था, लेकिन वहाँ पहुँच के पता चला वो होटल ही नहीं है भाई साहब। तो फिर हम लोगों ने वो booking.com से था ना, तो वो क्रेडिट कार्ड का बस डिटेल लेते हैं, बुकिंग कंफर्मेशन होता नहीं है। चलो हो गया, हम लोगों ने रूम यहाँ पे ले लिया। कुछ ये अल्टा विस्टा होटल है, एकदम मेन एलएस सिटी में ही है। बस ये थोड़ा हम लोगों को डाउन जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा ऊपर की तरफ है थोड़ा। कुछ ऐसा रूम है अपना, ये बढ़िया रूम है। वॉशरूम कुछ ये रहा, काफी बड़ा रूम है, बालकनी भी है। बाहर का क्या नजारा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख लो जी, बाहर का कुछ ये नजारा है, और मैं ये खोल के बाहर की तरफ भी जा सकता हूँ। देख लो ऊपर से क्या बढ़िया मौसम हो रखा है अभी, देख लो। हाँ जी, तो होटल में चेक इन करते हैं। अभी हम लोग वापस से आ गए बाहर। एक्चुअली ना कुछ खाए नहीं था, आपने भी देखा ट्रेन जर्नी हमारा हुआ, कुछ नहीं मिल रहा था ट्रेन में बढ़िया कुछ खाने का, वही बड़ा सिंगाड़ा यही सब मिल रहा था। तो अभी बहुत जोर भूख लगा है, तो जाते हैं आसपास में। एक बहुत फेमस चिल कैफे है मेरे पीछे ही दिख रहा होगा आपको, ये अल्लाह का फेमस कैफे है। तो वही जा रहा है, कुछ बढ़िया बैठ कर मिल जाएगा तो खा लेंगे, अदरवाइज देखते हैं, दिखा देंगे आपको क्या हम लोगों ने खाया क्या नहीं। यही अपना होटल है, देख लो अल्टा विस्टा नाम है भाई साहब। ऊपर मतलब पाताल में होटल, पाताल तो नीचे होता है ना, आसमान में होटल। ऑलराइट जी, अभी हम लोगों ने देख लो ये ऑर्डर कर लिया है भाई। बहुत टाइम लग गया ऑर्डर आने में, बहुत ज्यादा टाइम, लगभग हम लोग हाफ एन आवर से बैठे हुए, लेकिन अच्छा लग रहा है। मतलब ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है, मौसम भी काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी भरपेट खाना है भाई, भाड़ में गया डाइटिंग, सब कुछ गया भाड़ में, अभी खाने दो बस। वो जो आप लोगों ने देखा कल रात में, मैं गया था चिल कैफे, उसके बाद से ऐसे ही आसपास में घूम रहे थे। फिर रात में रूम में आते ही वीडियो के काम पे लग गया, वीडियो वगैरह सब कुछ रेडी हो गया अपना। अभी वैसे मैं बता दूं, ये जो रूम है ना, मैंने लगभग इंडियन रुपीज में 3000 में बुक किया। व्यू तो मैंने आपको कल दिखाया था, एक बार अभी दिखाता हूँ। अभी देख लो कुछ ऐसा व्यू है, देख लो ये रूफटॉप का भी एक्सेस है, मैंने बताया था कल आपको, यहाँ से काफी अच्छा व्यू दिख रहा है। वैसे देख लो एला में तो मेरे को घूमना था दो जगह, एक आर्च ब्रिज है वहाँ मुझे जाना था, वो रेलवे ब्रिज है वहाँ जाना था, और एक एडम्स पीक था, लेकिन ट्रेन अपना कल इतना लेट आया, कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। चलो कोई नहीं, अभी तो मैं हूँ यहाँ पे, मेरा लगभग 8 दिन बाद का रिटर्न टिकट है, तो अभी देखते हैं इस बीच में अगर फिर से अगर चक्कर लगा तो कर लेंगे कवर इसको। बट अभी जहाँ मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ ना, वहाँ मेरा प्लान है 2 दिन रुकने का, ताकि अच्छे से आपको आसपास का जगह सब भी दिखा पाऊँ। वैसे होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ट्रेन जर्नी अच्छा लगा हो। भाई साहब नजारे, मेन इस रूट का नजारा है। ये जो ट्रेन में मैं जर्नी किया ना, ये तो जैसे इनका फर्स्ट एसी ट्रेन मैंने आपको दिखाया, फर्स्ट एसी कोच मैंने आपको दिखाया, मैंने इनका थर्ड क्लास भी आपको दिखाया हुआ है जो कि एसी नहीं होता है उसमें। मेरा प्लान है यहाँ का, मतलब इस वाले रूट का एक बहुत ही स्पेशल ट्रेन है जिसको बोलते हैं एला ओडिसी एक्सप्रेस, वो कवर करने का। उसी के लिए मैं एला आया था कि चलो यहाँ से मैं रिटर्न का कहीं कहीं मिलेगा मैं वहां का टिकट ले लूंगा, क्योंकि मुझे वो ट्रेन दिखाना था आप लोगों को। तो फाइनली वो टिकट मुझे मिला है, लेकिन कहां तक का मिला है वो मैं कल वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए। Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra.